कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे वॉर रूम में, जहां पर चुनाव पर रंधावा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दो बार हारे हुए प्रत्याशियों पर फिर से विचार करेंगे, घर बैठे बड़े नेताओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस चुनाव में काफी कुछ चेंज होगा, ये कहना है सुखजिंदर सिंह रंधावा का। रंधावा ने कहा कि समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट देंगे, टिकट में कई बातों को शामिल किया जाएगा। हमने राजस्थान में 500 रुपए सब्सिडी दी है तो आप हिंदुस्तान में लागू करो, पंजाब में, राजस्थान में 100 यूनिट माफ किए हैं, आप हिंदुस्तान में माफ करो। 1 करोड़ 24 लाख लोगों को डायरेक्ट जीरो बिल आएगा। हमने किसानों की 2000 यूनिट 14 लाख लोगों का या 10,000 लगभग लोगों का उसमें बेनिफिट हुआ है, तो उन करो। किसानी और जो गांव के लोग हैं तभी बचेंगे, तभी तो देश खुशहाल होगा अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाएगी। तो पंजाब जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो गहलोत गवर्नमेंट, वो लोगों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया है हम उस पर काम कर रहे हैं।